नमस्कार, सिंपल कुकिंग से मैं आपकी होस्ट उल्डी उल्डी बात कर रही हूँ। आज मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एक पदार्थ बताने वाली हूँ। वो ऐसा है, उसको मनकटी बोला जाता है। मनकटी यानी मुरमुरा, जिसे वो लोग राइस बोलते हैं, उसका मतलब है राइस। तो हम लोग कांदा पोहा बनाते हैं, गेस्ट आते हैं वहाँ पर कांदा पोहे की जगह वो मुरमुरा बनाते हैं। जैसा हम पोहा पानी में भिगाते हैं वैसे वो मुरमुरा पानी में भिगाते हैं। हम प्याज डालते हैं वैसे वो प्याज डालकर मुरमुरे को तड़का देते हैं। तो यही हम देखेंगे। तो चलिए किचन में देखिए। किचन में मैंने कढ़ाई पहले से ही रख दी है और यहाँ पर एक बोल भी लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस कढ़ाई को मैंने गर्म करने को रखा था और मेरा मुरमुरा ज़्यादा नहीं है, तो मैं सिर्फ ये 5 ग्राम का मेरा चमचा है तो मैं इससे सिर्फ 3 ग्राम मैंने तेल, 15 ग्राम मैंने तेल ले लिया है। अभी तेल को गर्म होने देते हैं और हम उसमें तड़का लगाएंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें तड़का लगा देंगे और बाद में फिर हम मुरमुरा पानी में भिगाएंगे। सबसे पहले पानी में भिगा के नहीं रखेंगे। मोटे पोहे बनाने के लिए उनको पहले पानी में भिगाना पड़ता है और फिर वो बनते हैं। तो अभी हमें मुरमुरा तो तुरंत गीला हो जाता है, तो इसीलिए हम मुरमुरा को टाइम पर ही पानी में भिगाएंगे। थोड़ा सा तेल गर्म होने देती हूँ। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा मैं आपको उसमें जो तड़का लगाना है वो तड़का बता देती हूँ। उसमें वो एक चीज़ बनाते हैं, जैसे हम चूड़ा में जो डालवा डालते हैं, फुटाने का डालवा, उस डालवे की वो पाउडर उसमें डालते हैं, उसे वो दाल पुड़ी बोलते हैं। तो अभी ये तेल गर्म हो गया है, उसमें मैं राई डाल देती हूँ थोड़ी, थोड़ी सी हल्दी, सॉरी हींग, और अब मैंने ये हल्दी डाल दी है। इसमें ये प्याज डालते हैं, तो प्याज मैंने डाल दिया इसमें, और ये टमाटर, वो लोग टमाटर भी डालते हैं। तो प्याज और टमाटर डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम मिला लेंगे। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा करी पत्ता, बस। अब इस सबको हमने तेल में डाला है, हम अच्छे से मिला लेंगे। मैंने कड़ी पत्ता बाद में डाला, आप पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन वो फूट जाता है, तो थोड़ा उसका स्वाद लगने के लिए मैंने थोड़ा बाद में डाला। मैं आगे पहले भी डालती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। ध्यान रखना है ये मुरमुरा में नमक होता है, हमें नमक सिर्फ प्याज और टमाटर के हिसाब से ही डालना है। तो अभी हम प्याज और टमाटर को हिला रहे हैं, तो ये अब अच्छे से पक जाएंगे, क्योंकि नमक डाला है। इसके ऊपर हमने ढक्कन रखकर गैस कम कर दिया। अब ये जो मेरा चमचा है, इस चमचे से मैं 1.5 कप मुरमुरा ले रही हूँ। ये 1 कप और ये 1/2 कप। तो मैंने 1.5 कप मुरमुरा ले लिया है। अभी हम इस मुरमुरे को पानी में भिगाएंगे। जैसा हम पोहा भिगाते हैं वैसा। और अब मैंने ये भिगा लिए हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, जल्दी जल्दी फटाफट इसको स्क्वीज करके एक थाली में मैं निकाल लेती हूँ। इसे ज़्यादा भिगाना नहीं है, सिर्फ धोना है। धोने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें पानी कैसा रहता है, कैसा पानी, काला काला पानी इसमें आता है। तो अब हम हमारे मुरमुरे अब धुल गए हैं और टमाटर प्याज भी हमारा अच्छे से गल गया होगा। तो हम अब इनको उस तड़के में डालेंगे। ये देखिए, ये पानी
कैसा पीला पीला पानी इसमें निकलता है। मुरमुरे हमने धो लिए हैं, अभी हम तड़का देखते हैं। हमारा तड़का अच्छे से बन गया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ तड़के में। और इसको हम अच्छे से हिला लेंगे, इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही मैंने आपको बताया, क्योंकि टमाटर और प्याज के हिसाब से नमक डाला और मुरमुरे को नमक रहता है। अब हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि इसे कुछ ज़रूरत नहीं है पकाने की, बस ये ऐसे ही हो जाता है। अब मैंने आपको जो बताया कि वो चटनी पूड़ी बनाते हैं, तो ये जो मुरमुरे का डाढ़वा रहता है उसको मैंने मिक्सर में पीस लिया, और ये एक चम्मच चटनी, एक चम्मच के करीब, ज़्यादा ही थोड़ी मैं डाल रही हूँ। अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो जैसे हम साबूदाने की खिचड़ी में तो मूंगफली का कूट डालते हैं, तो वो कैसा खा ऐसे खुला खुला हो जाता है। अब देखिए ये भी हमारा खुला खुला हो गया है। अब ये हमने गैस बंद किया है, कोई भी गर्म चीज़ में आप नींबू डालोगे तो वो कड़वास आती है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे, इसमें नींबू डाल के रखा है, तो ये नींबू मैंने निचोड़ लिया, यानी ये क्या हो गया, भेल के जैसा खट्टा मीठा स्वाद इसमें आता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी इसी पर मिला लूंगी, क्योंकि मुझे अभी हरा धनिया सिर्फ ऊपर डालने के लिए, थोड़ा सा होना, ज़्यादा नहीं, सजाने के लिए। और मैं इसमें कुछ और चीज़ डालूंगी, मैं सेव डालने वाली हूँ। एक्चुअली वो लोग सेव वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं, ये ऐसा ही खाने को दिया जाता है। जैसे हम कांदे पोहे पे नारियल और सेव डालते, वैसी मैं इसके ऊपर सेव डालने वाली हूँ। अभी मैं एक प्लेट लेकर आती हूँ और आपको ये उस प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। इसमें सिंग मैंने डालना भूल गई, लेकिन मेरे पास भुनी हुई मूंगफली है, वही मैं इसमें अभी आपके सामने डाल देती हूँ। कच्ची मूंगफली को तलना पड़ता है, मैं इसमें मूंगफली डालना भूल गई, तो मैं आपको भुनी हुई मूंगफली इस पर ही मैं सजा देती। जैसे भेल में हम लोग भुनी मूंगफली डालते हैं, वैसा मैं डालती हूँ। अभी देखिए ये भुने मूंगफली के दाने मैं इसमें डाल रही हूँ। आप तड़के में कच्चे दाने डालोगे तो तड़के में आप थोड़ा उसको परत लेना। तो ये हो गए मेरे मूंगफली के दाने, जो इसमें वो लोग डालते हैं वो कच्चे मूंगफली के दाने डालते हैं। कच्चे दाने मेरे घर में नहीं हैं, तो वो कच्चे दाने डालकर तेल में गर्म कर लेते हैं। अब इसके ऊपर सजाने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया, हरा धनिया वैसे भी हमने इसमें मिला दिया है। अब थोड़ी सेव, वो लोग सेव नहीं डालते हैं पर मैं डाल रही हूँ। हाँ, गीला नारियल जरूर डाला जाता है, कभी कभी नारियल के टुकड़े इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। तो ये गीला नारियल मैंने मिक्सर में पीस लिया था, तो ये अब मैं आपके सामने डाल रही हूँ। आज मेरे पास अनार के दाने नहीं है, तो वो भी मैं सजा देती थी। और थोड़ा इसके ऊपर फिर से ये धनिया, और देखिए हमारी मनगड्डी तैयार हो गई। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना सुंदर लगता है, ये पोहे जैसा ही अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मेरे घर में जब मेरी फ्रेंड्स आई थी, तो मेरी एक खास फ्रेंड है
उसने मुझे इसके बारे में बताया था। तो हमेशा पोहा, चूड़ा, फिर बटाटे वड़ा, ये जो किटी पार्टी के लिए बनाया जाता है उसको स्किप करके मैंने ये मनगढ़ंती बनाई थी और सबको बहुत पसंद आई। एक तो ये 5 मिनट में बन जाती है। मुरमुरा को मुझे सिर्फ भिगाना है, प्याज टमाटर काट कर, मिर्चियाँ काट कर, कड़ी पत्ता लगा कर और थोड़े मूँगफली के दाने लिए तो हो जाता है। वो लोग सेव नहीं डालते हैं लेकिन मैंने सेव डाली। हमारे यहाँ प्याज के पोहे पर हम लोग, कांदा पोहे पर हम लोग सेव डालते हैं। और गीला नारियल, वो कर्नाटक का एरिया होने के कारण गीला नारियल वो यूज़ करते, गीला नारियल मैं भी खाती हूँ, तो मैंने इसके ऊपर गीला नारियल डाल दिया। सबसे पहले इसकी एक बात सुन लीजिए, एकदम ये डाइट रेसिपी है। जिनको वजन नहीं बढ़ाना है, जिनको हेवी अपना हमारा पेट बाहर नहीं निकालना है, उनके लिए सचमुच ये रेसिपी बहुत अच्छी। जो बच्चे जिम में जाते हैं तो जिम करके आने के बाद तुरंत एनर्जी के लिए अच्छा है, घर में बूढ़े बड़े हैं उनको एनर्जी के लिए रेसिपी बहुत अच्छी है। उसमें आप सिंगमंट डालो, छोटे बच्चे खेलकर आते हैं, स्कूल से आते हैं, अगर उनको चाहिए तो उनके इसमें आप सिंग डाल दीजिए। और हमारे जैसे जो 40-50 के बीच में बिड़ ले जो, उनको तो ये चलता ही चलता है। तो धन्यवाद आपने मेरी ये रेसिपी देखी। मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए और आपकी उल्टी गुल्ली को अच्छी अच्छी कमेंट्स जरूर भेजिए। धन्यवाद।